हेलो इंडिया, वेलकम टू इंडियन एआई प्रोडक्शन। दोस्तों, आज हम एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन का रिव्यू करेंगे। हालांकि ये पेड रिव्यू नहीं है, मैंने लिंक्डइन के ऊपर एक पोस्ट देखा था और उस पोस्ट को देखने के बाद मुझे मज़ा आ गया था, इसलिए मैं उस एप्लीकेशन का रिव्यू करने जा रहा हूँ। और ये जो एप्लीकेशन है वो हमारे फील्ड के रिलेटेड है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उस एप्लीकेशन को बिल्ड किया है। और यहाँ पे मज़े की बात यह है कि इस एप्लीकेशन को आप यूज़ करोगे तो आपको बहुत अच्छा खासा मज़ा आएगा। आप उस एप्लीकेशन को एक बार यूज़ करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उस एप्लीकेशन के ऊपर आप एक दो घंटे तो आराम से बिता लोगे। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, हम उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए हम डायरेक्ट प्ले स्टोर का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं रीफेस। क्या लिखना है आपको? रीफेस इस एप्लीकेशन का नाम है, REFACE, राइट। तो चलो इसको हम सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएंगी। इसके आप देख सकते हो यहाँ पे 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है और यहाँ पे इसका रेटिंग भी 4.6 रेटिंग है। और इसके बारे में आप पढ़ना चाहते हो, आप उसका रिव्यू देखना चाहते हो, आप इसको बारे में देख सकते हो। फिलहाल हम डायरेक्ट इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है, तो चलो अभी हम ओपन करते हैं। इसका इंटरफेस एकदम सिंपल है। अब यहाँ पे आपको एग्री करना पड़ेगा, एग्री टू प्रोवाइड माय फेस डेटा और एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपका ही फेस देना है, आप किसी का भी फेस दे सकते हो। तो हम क्या करते हैं, दोनों को एग्री करते हैं और कंटिन्यू बटन के ऊपर प्रेस करते हैं। उसके बाद आपको अलाउ करना है। जैसे आप अलाउ करते हो तो अलाउ करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पे कैमरा है, कैमरा की सेटिंग भी चेंज कर सकते हो। आप फ्रंट कैमरा भी ले सकते हो या बैक कैमरा भी ले सकते हो। और यहाँ पे आपको आपका खुद का फेस नहीं देना है, आपको किसी का फेस लेना है तो उस वक्त हम क्या करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आपको किसी का भी फेस दे सकते हो, आप कोई इमेज है उसका भी फेस दे सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे मैं दे रहा हूँ राहुल गांधी का फेस, तो चलो इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो फेस डिटेक्ट हो चुका है। अब हम राइट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो एप्लीकेशन है उसको यूज़ करना है तो हमें कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे, लेकिन हम अमाउंट पे नहीं करना चाहते, राइट। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट फ्री 3 डेज ट्रायल के ऊपर भी क्लिक नहीं करना है। आपको डायरेक्ट ऊपर के कॉर्नर में आपको क्रॉस दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर क्लिक करना है। ओके, अभी आपने क्रॉस क्लिक कर दिया है तो ये एप्लीकेशन आपको 3 दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। यहाँ पे आपको पेड एप्लीकेशन लेना है तो ले सकते हो, नहीं लेना है तो नहीं ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है, राइट। अब क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट वीडियोज़ है, राइट। यहाँ पे आपको डिफरेंट वीडियोज़ मिलेंगे, आपको यहाँ पे GIF फाइल मिलेंगे, यहाँ पे आपको मीम्स मिलेंगे। तो जहाँ पर भी आप उसको फेस लगाना चाहते हो तो यहाँ पे आप उसका फेस लगा सकते हो, राइट। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पे अभी जो हमने फेस लिया था वो फेस की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे बटन दिखाई दे रही है, यहाँ पे जो राहुल गांधी का आपको फेस दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको 2 एरो दिखाई दे रहे हैं, तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको गैलरी में जाना है, आपको किसी का फोटो लेना है तो फोटो के लिए आप कैमरा बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हो, या आप गैलरी में से फोटो लेना चाहते हो तो गैलरी में से। तो यहाँ पे मैं गैलरी के ऊपर क्लिक करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अलाउ के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे गैलरी में जितने भी फोटोज़ हैं वो फोटो आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं अभी क्या करूँगा, राहुल गांधी का फोटो दूंगा। तो चलो इस फोटो का मैं सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि हमने इसके पहले जो फोटो दिया था उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। अब जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वीडियो है, उस वीडियो के ऊपर आपका जो फेस है, अभी जो लेडी का फेस है, उस जगह पर आप राहुल गांधी का फेस लगाना चाहते हो तो आराम से लगा सकते हो। तो बस आपको क्या करना है, जो भी इमेज आपको दिखाई दे रही, जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर सेलेक्ट करना है। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो रिफेसिंग होगा, मतलब जहाँ पर अभी लेडीज़ का फेस है उस जगह पे राहुल गांधी का फेस आ जाएगा, और उस वीडियो में जहाँ पर भी वो गर्ल रहेंगी उस गर्ल के फोटो के जगह पे वहाँ पे राहुल गांधी का फोटो आ जाएगा। अब यहाँ पे ये एप्लीकेशन आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करोगे तो आपको ढेर सारी ऐड मिलेंगी, राइट। तो उसको आपको क्या करना है, क्लोज कर देना है। और देख सकते हो यहाँ पे मजे की बात यह है कि जिस जगह पे लड़की का फोटो था, मतलब जो फेस था, उस जगह पे राहुल गांधी का फोटो आ चुका है। तो दोस्तों ये फनी ऐप है, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यहाँ पे मैंने फोटो का इस्तेमाल किया है, राइट। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट वीडियो में आप डिफरेंट पर्सन का फोटो लगा सकते हो। तो चलो इसको मैं क्लोज करता हूँ। और उसके बाद आयरन मैन है, तो यहाँ पे मैं राहुल गांधी को यूज़ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, सब्सक्राइब टू रिमूव ऐड और आई एम फाइन विद द वॉचिंग ऐड। तो मैं क्लिक करता हूँ आई एम फाइन विद द वॉचिंग ऐड। उसके बाद आपको ऐड आएंगे, उसको क्लोज कर देना है। तो देख सकते हो यहाँ पे राहुल गांधी का फोटो आ चुका है आयरन मैन की जगह पे। तो इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन का मज़ा ले सकते हो। अब हम थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अनुष्का शर्मा है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आते हो यहाँ पे आप स्पाइडरमैन देखते हो, यहाँ पे हल्क देखते हो। तो हल्क की जगह पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लेंगे मोदी का फोटो। तो यहाँ पे हम लेते हैं PM मोदी का फोटो, सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद इसको क्लिक करते हैं और नेक्स्ट हम ऐड को क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मज़े की बात यह कि हल्क की जगह पे जो फोटो है, यहाँ पे मजे की बात ये है कि जो हल्क है अभी वो PM मोदी बन चुके हैं। तो इस तरीके से इस एप्लीकेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हो, किसी के फेस की जगह पे आपको जो फेस लगाना चाहते हो तो वो फेस आप लगा सकते हो। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, नीचे आते हो तो यहाँ पे आप डिफरेंट इमेजेस मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये है
GFI फाइल, तो इस जगह पे आप फेस रिप्लेस कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, हम पीएम मोदी के जगह पे हम दूसरे पीएम लेते हैं जो हमारे पाकिस्तान के पीएम है, राइट। तो इसको हमने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे आप कोई भी फोटो का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे GFI फाइल दिखाई दे रही, उस जगह पे भी आप फोटो लगा सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ और उसको रिफ्रेश करता हूँ और ऐड को क्लोज करना पड़ेगा, आपको हर बार ऐड मिलेंगी। तो देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से नया फोटो आ चुका है और यहाँ पे आप इस इमेज को देखोगे तो आपको हंसी आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के फोटो लगा सकते हो फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो गेम ऑफ थॉर के भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट WWE के भी यहाँ पे आप फोटो है, यहाँ पे हॉट GFS है, उसके बाद बिलबोर्ड म्यूजिशियन है। तो आप अलग अलग तरीके की कैटेगरीज है, उस जगह पे आप क्या कर सकते हो, फेस लगा सकते हो। यहाँ पे मैं अभी दूसरा एक फोटो ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं शी जिनपिंग का, और चलो इसको प्ले करके देखते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों लेडीज़ की जगह पे किसका फोटो आ चुका है। तो इस तरीके से आप इंटरेस्टिंग जो फनी वीडियोज है वो आप आराम से इसके कर सकते हो। यहाँ पे आप खुद का जो वीडियो, उस वीडियो को भी आप ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे जो ऐड बटन है उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो वीडियो होगा, जो फोटो होगा, उस जगह पे आप अपलोड कर सकते हो। लेकिन ये प्रो मोड है तो यहाँ पे आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। तो आपको ये करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना है तो आप नहीं कर सकते हो। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि ये पेड रिव्यू नहीं है, राइट। तो ये आपकी मर्जी है। तो इस तरीके से मैंने एप्लीकेशन देखा, तो हो सकता है कि आपको ये एप्लीकेशन यूज़ करने में मज़ा आएगा। तो जो भी आपको मज़ा आएगा आप मुझे बताना। तो चलो इस एप्लीकेशन का हम रिव्यू यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप आपको इस एप्लीकेशन के रिव्यू में आपको मज़ा आ गया होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हो और इसी तरीके के कोई इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन होंगे तो इसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हो। यहाँ पर जो भी वीडियोज़ है, राइट, जो भी हम वीडियो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, मतलब, तो उस वीडियो को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो उसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट जो सेव टू गैलरी है इस बटन के ऊपर क्लिक करना है तो आपका जो वीडियो है वो सेव हो जाएगा। और आप इसको शेयर करना चाहते हो किसी के साथ तो आप उसको शेयर भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, मैसेंजर है, तो अलग अलग जगह पर आप उसको शेयर भी कर सकते हो, राइट। तो इसको भी हम क्या करते हैं, रेटिंग अप कर सकते हो, यहाँ पे नॉट नाउ करते हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के बाद जो एक लिमिट रहती है, वो लिमिट आपकी पूरी खत्म हो जाने के बाद आपको 6 मिनट रुकना पड़ता है, राइट। तो आप 6 मिनट रुक सकते हो या एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके फिर से आप इसको इंस्टॉल करो तो आप उस एप्लीकेशन को फिर से यूज़ कर सकते हो। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के फोटो लगा के आपके फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो तो आपको मज़ा आएगा।